सो हेलो गाइज, दिस इज गंगे यादव व्लॉग्स विद अनदर न्यू वीडियो। सो गाइज, आज के व्लॉग में मैं आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक रिव्यू देने वाला हूँ। और वो स्कूटर का जो सबसे मेन खासियत है ना, कि उसको ना चलाने में हम लोग को लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब 16 समझो आपका 16 साल का एज है, तो वैसे ड्राइविंग का एज 18 प्लस है पेट्रोल बाइक्स पे। और आप ये स्कूटर को ना 16 ईयर्स रहोगे तो भी आप चला सकते हो विदाउट लाइसेंस, वो भी जो कि गवर्नमेंट के तौर से अप्रूव्ड पूरा है सिस्टम। तो अभी मैं आपको स्कूटी का रिव्यू देने वाला हूँ, तो देखते रहिए स्कूटी के प्राइस, फीचर्स और कौन सी स्कूटी है, कंपनी, आपको किधर से ये ख़रीदना है, इसकी चार्जिंग कॉस्ट वगैरह सब आपको आगे वाले वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। तो तब तक चैनल में बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर व्लॉग। सो गाइस, जो मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात कर रहा था जो कि बिना लाइसेंस की चलती है लीगली रोड पे, तो गाइस वो ये वाली स्कूटर है जो कि आप लोग देख सकते हो। ये स्कूटर है, दो जन बैठ सकते हैं आराम से कंफर्टेबली। चलिए हम चालू करते हैं। ये इसकी की है और ये इसके फीचर्स कुछ है। तो एक तो नॉर्मली आप लोग ना ऐसे डायरेक्ट की लगाते हैं तो देखो ऐसे चालू कर सकते हो, और नहीं तो ऐसे समझो बंद रहेगा और आपको मतलब फटाफट किधर जाने का है अर्जेंट में, किधर स्कूल कॉलेज ऑफिस जाने का है। तो ये जो की पे बटन है ना, तो अभी आप लोग देख सकते हो कि ये बटन मैं दो बार दबाऊंगा। ये देखो ये डिस्प्ले पे चालू हो गया, मतलब देखो बिना की लगाए। ये देखो देखो की मेरे पास है और इधर की भी नहीं लगाई है तो भी ये गाड़ी चालू हो गया। और इसी तरह आप इसको बंद भी कर सकते हो। ये देखो बंद हो गया। ऐसा कुछ सिस्टम है, तो ऐसे नॉर्मली ज़्यादातर चाबी लगा के ही करने का, क्योंकि थोड़ा नया नया चीज़ रहता है तो उसको वैसे ही यूज़ करते हैं चाबी लगा के। और फिर इसके बात करते ना जो कि लाइट के जो फीचर्स है ना, तो ये लाइट देखो, ये ऐसी इसकी पूरे LED लाइट्स है, सब ए टू जेड LED लाइट्स है इसको। और प्लस इसमें जो मेन बात है ना, कि ये देखो ये बाजू वाले लाइट्स भी है इसको, जो कि आजकल के स्कूटी और बाइक्स में पेट्रोल वाले में ये लोग मॉडिफाई करके लगाते हैं ज़्यादातर लोग। तो अभी हम चालू करके दिखाते हैं। ये देखिए ये बंद में था, ये चालू। अभी डे टाइम इसके समझ में नहीं आ रहा रहेगा, आप लोग देख सकते हो ये बंद है और अभी ये चालू किया। तो अभी ये देख सकते हो ऐसा पूरा सिस्टम है। और देखो, और मेन बात तो है ना, जब इसका आप इंडिकेटर देते हो ना, तो ये देखो इधर भी आते हैं लाइट्स इंडिकेटर पे, जो कि रात में एकदम अमेजिंग लगता है। ये देखो ये साइड में भी, और गाइस बात करते हैं इसके ब्रेक्स पे। तो गाइस जो ब्रेक है ना, इसका फ्रंट ब्रेक में ना इसमें डिस्क ब्रेक दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो नॉर्मल सा डिस्क ब्रेक है इलेक्ट्रिक स्कूटी में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती और कंट्रोल भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और फिर जो पीछे के ब्रेक के बारे में हम बात करते हैं ना, तो पीछे के साइड में नॉर्मल है ना, जो कि ड्रम ब्रेक्स लगाए गए हैं। ऐसा देख सकते हो आप पीछे के साइड में ड्रम ब्रेक्स है, क्योंकि इधर इसका मोटर रहता है, तो ये मोटर की वजह से ना इधर जो बैटरी, इसके अंदर बैटरी है गाड़ी का, तो मैं आपको दिखाऊंगा वो भी बाद में। और फिर बात करते हैं इसके चालू होने के बाद जो फीचर्स होते हैं, तो देख सकते हो आप लोग कि ये देखो। सो गाइस ये देखो, अभी ये स्टैंड है ना इधर ना, मतलब ये देख सकते हो आपकी ये पी है, मतलब ये देखो ये पी मतलब पार्किंग मोड में। और पार्किंग मोड में आप कितना भी इसको रेस करोगे या कुछ भी करोगे ना, तो आगे नहीं जाएगा। तो इसको स्टार्ट करने के लिए ये देखो पार्किंग पे इसका कौन सा भी ब्रेक दबाने का ना, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। इसमें स्टार्टर वगैरह कुछ नहीं है, ये देखो इसलिए आगे नहीं जा रहा है गाड़ी। तो ये जैसे ही मैंने ऊपर किया, और ये देखो ये पार्किंग है, इधर ये पार्किंग मोड है, ये मैंने ब्रेक दबाया इधर का, ये हुआ। और ये देखो ये गाड़ी ऑटोमेटिक ऐसे आगे मतलब रेस पे, ये देखो। अभी आप ना ये देखो इधर देखो नॉर्मल। तो गाइस ये देखो इधर नॉर्मल में कुछ नहीं है। अभी मैं रिवर्स करूँगा ना, तो ये छोटा सा आर करके आ जाएगा। फिर इसको देखो हम लोग ना पीछे रिवर्स में ले सकते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। देखो मैं रिवर्स में लेता हूँ, ये देखो मतलब देख सकते हो आप लोग कि रिवर्स में आप लोग इसको ले सकते हो, कुछ ऐसा सिस्टम है। और आगे भी आ सकते हैं, ये देखो। तो गाइस इसका जो एक बहुत सिस्टम है, जो कि बहुत लोग को डर रहता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो ये ना मतलब चोरी वगैरह हो जाएगी, या सिस्टम है ना, आप इधर आके देख सकते हो। इधर जब आप अगर समझे किधर घूम के आए और इसका मतलब चाबी बंद किया, तो ये गाड़ी बंद कर देने के बाद ना इसका ना ये देखो ये लॉक सिस्टम दबा देने का, ये लॉक हो गया। आपने आवाज़ सुना, आप फिर से सुन सकते हो।
हाँ ये लॉक हो गया, और ना इस पर लाइट आता है लाल कलर का, ये देखो। हाँ ये देखो ऐसा है। तो अभी ना अभी क्या है समझो, अगर हम घर पे गए, मैं चाबी रख देता हूँ और ये अब गाड़ी बंद है, अब घर पे गए और फिर ना ये देखो टच करने के बाद भी देखो आवाज़ आता है, देखो ये देखो, मतलब कुछ ना ऐसा आवाज़ आता है ऐसा। मैंने बंद किया अभी, मतलब आवाज़ आता है। सो गाइस इसका ना और एक बहुत अच्छा फीचर है, जो कि मतलब सबसे बेस्ट ना फीचर मेरे को वही लगा इस गाड़ी में। तो ये देखो ये जो है ना इधर ऐसे देखो ऐसा मैकेनिक टाइप बना हुआ है सिस्टम। तो ये कि कभी यूज़ करने वाला, समझो आप किधर ट्रिप पे गए या किधर घूमने गए और अचानक आपकी गाड़ी अगर बंद पड़ जाती है और फुल चार्जिंग दिख रहा है आपको मीटर में, तो उस टाइम पे क्या करने का था कुछ समझ में नहीं आता है। तो इलेक्ट्रिक के मैकेनिक्स भी इतने ऑथराइज स्टोर पे ही रहते हैं, तो उधर से आपको रिपेयरिंग करना चाहिए, जहाँ से आपने गाड़ी खरीदा है उधर ही आपको देना चाहिए। तो उस टाइम पे ना ये वाला जो बटन है ना, तो ये बटन दबा के आप गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, चलेगी मतलब 15-20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चलेगी, 10-15 किलोमीटर तक। आप देख सकते हो मतलब नॉर्मल स्कूटी में कैसे गियर्स नहीं रहते, तो इसमें ना ये देखो ये आप देख सकते हो 1-2-3 ऐसा गियर्स है, ये देख सकते हो 1-2-3 और इधर ना चेंज भी होता है। तो ये देखो अभी ये मैंने फर्स्ट पे ये सेकेंड गियर और ये थर्ड पे। तो मैं आपको इसके अभी बैटरी दिखाता हूँ। तो इधर से कुछ ऐसे की है, तो ये किया और ना आप लोग देख सकते हो कि एक सेकेंड ना, हाँ तो ये देखो ये बैटरी इधर स्पेस है आपका सब सामान वगैरह हेलमेट रखने के लिए। और ये स्विच ऑन ऑफ का, अभी ये ऑन है तो मैं इसको अभी ऐसा ऑफ करता हूँ और बैटरी दिखाता हूँ। तो कुछ ये बैटरी है, ये देखो आप इसको आप घर पर भी लेके जा सकते हो चार्जिंग के लिए, जो कि हैवी बैटरी है ये। अभी ये देख सकते हो कुछ ऐसा कुछ बैटरी है इसका, अभी तो ये बाहर नहीं आ रहा है, तो मतलब आप समझ सकते हो कि इसको चार्जिंग ये निकाल के ऐसा ही एक आपको चार्जर टाइप मिलेगा, आप घर पे जाके चार्जिंग लगा सकते हो या बिल्डिंग में नीचे किधर भी। तो अभी हम इस ये गाड़ी आप लोग देख सकते हो, अभी आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, मैंने मास्क लगाया तो फर्स्ट गियर पे, और अभी हम इसको ना चालू करके ऐसे जाते हैं। तो भाई ना ये गाड़ी अभी तक फर्स्ट गियर पे है और इसका स्पीड देखते हैं कितना है। तो 17, चलो 17 इसका लास्ट स्पीड है फर्स्ट गियर पे। अभी हम सेकंड पे करते हैं, ये सेकंड पे गया, सेकंड पे देख सकते हो 28, 27, 28, 29। अभी डबल सीट पे इसलिए थोड़ा स्लो जा रहा रहेगा, 30 है सेकंड पे। अभी थर्ड पे डालते हैं, ये थर्ड पे गया है, देखो इधर थर्ड है। अभी स्पीड देखते हैं इसका, ये ट्रैफिक बहुत हो गया। अभी मैंने थर्ड पे किया है तो देख सकते हो, अभी सेकंड पे 30 लास्ट था और अभी अभी देख सकते हो। अभी गाइस और जाएगा स्लोप टाइप है ना, इसलिए आपने जो स्कूटी का रिव्यू देखा तो यही शॉप से मैंने लिया था वीडियो बनाने के लिए। तो और भी इधर अलग अलग वैरायटी ऑफ स्कूटी है अलग टाइप की, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इसका भी वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा आपके पास। और फिर अगर आपको कुछ इधर से खरीदना रहेगा या कुछ इंक्वायरी करने का रहेगा स्कूटी के लिए या बजट कोटेशन वगैरह इंक्वायरी करने का रहेगा ना, तो मैं शॉप का एड्रेस और नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप कॉल करके पूछ लीजिए। और वीडियो दिखा दे दिया क्योंकि ये वाले वीडियो मैंने देखा स्कूटी है, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और कुछ अगर स्कूटी रिलेटेड कॉन्टैक्ट स्कूटी रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चन रहेंगे ना, तो नीचे लिंक में एड्रेस है और शॉप का नेम है और प्लस मोबाइल नंबर है, उसको आप कॉल कर दीजिए। सुबह 10 से 6 के बीच में वो नंबर पर कॉल करना, तो आपको जो भी कुछ आपका डाउट रहेगा सब क्लियर हो जाएंगे। सो टिल दैट, बाय।